What's up? So, आप जो मेरे हाथों में देख रहे हैं ये कोई राखी नहीं है बल्कि एक था राजा की जो लॉन्च पार्टी हुई थी कल, मैं वहां था यस बॉम्बे में। एंड भाई क्या पार्टी थी भाई, क्या क्या स्टार्स आए थे, मैं तो टल्ली हो गया मजे ले रहा भाई, मुझे तो बहुत मजे आया है ना, क्या बढ़िया म्यूजिक, फक सीन्स। और भाई सोचो आज सवेरे मैं होटल से 8 बजे निकला हूँ, तब से ट्रैवल करके बैंगलोर पहुंचा शाम को 4 बजे और अब 5 बजे बैठ गए वीडियो शूट कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उस एल्बम में ये देखने के लिए करने क्या वाले हैं, क्या करेंगे इतने सारे लोग, कैसे गाने बनाने वाले हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि पहला गाना उन्होंने वो रिलीज करा है जो वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं जिसकी सबसे ज्यादा उम्मीद हो, एंटिसिपेटेड, यस। सो करण ओजला एक्स मिस्टर बादशाह जी है ना, गाने का नाम है गॉड डैम। एंड मैं अभी देख रहा हूँ कब ये गाना जितने बजे भी आया हो शाम को 5 बजे इसका कुछ कितने 6 लाख व्यूज, ऑलमोस्ट 5,63,000 एंड 1,58,000 लाइक्स हो चुके, मतलब obviously दो स्टार बार जब मिलती हैं तो फिर एक ऐसा प्यारा बालक पैदा, तो ऐसे fuck scenes होते हैं, मतलब numbers फटते हैं और यहाँ पे number फटते हुए दिख रहे हैं, तो बाकी सारी बातें बाद में, let's see god damn में क्या है, तो बड़ा headphone जरा प्रकट हो जाओ, oh yes, so 3, 2, 1 here we go, god damn बादशाह एक्स करण ओजला, वाह भाई वाह क्या जूते हैं। ओके, ये शॉट देख के पता नहीं क्यों मुझे प्लेयर्स की याद आ रही है, वो प्लेयर्स में जो फैशन का फ्यूजन करा गया था आपको याद है, जो फीमेल सडनली अपना लहंगा वहंगा है ना, लाइक व्हाट द फक है ना, तो यहाँ पे वो फैशन का फ्यूजन दिख रहा है। शर्दिया पाफजी में सोना न करो, बस देखी चाहिदा दवाना न करो, दिलियां चियारा बड़े कंडे कटिया, इना सोची नहीं मैं कल्ला कोना न करो। ओके, देखो एक चीज आपको पता है कि मुझे थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ आती है, थोड़ी थोड़ी नहीं आती है, कच्चा पक्का मामला चलेगा, तो कृपया करके मुझे कुछ जो कैडी जो पहली दो लाइनें थी ना वो तो बिल्कुल समझ नहीं आई, तो उनका ट्रांसलेशन में प्लीज मतलब जरूर समझा दीजिएगा। बाकी लुक एट द सेट, लुक एट द वाइब है ना, मतलब क्या गैलेक्टिक सीन बनाया है, लाइक इट्स लुकिंग सो सो So. नखरे नवाबी कुड़ी शाही लग, यार तेरा सिख तू दवाई लग। मैं एक चीज बोलूंगा भाई, कल जब मैं पार्टी में था वहां पे, तो जब ये गाना प्ले हुआ था, तो ये जो लाइन है नखरे नवाबी कुड़ी शाही लग दी, ये लाइन मुझे बहुत बढ़िया लगी थी, शाही तो मेरी शाही होल्ड टू यूज राइट है ना, मैंने गाने में शाही सुना नहीं, हो सकता पंजाबी में बड़ा कॉमन हो, लेकिन एज अ नॉन पंजाबी म्यूजिक लिसनर ना शाही रॉयल लगती है ना, बहुत बढ़िया लगा मेरे को ये लाइन, फिट्स वेरी वेल गानों में। नखरे नवाबी कुड़ी शाही लगदी, यार तेरा सिख तू दवाई लगदी, पाया होवे कुछ भी तबाही लगदी, सैटरडे दुबई दे ट्रिप, इक तेरा नखरा नी इक तेरी ड्रिप। अबे ये करण से बादशाह में कब स्विच हो गए भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आया, इतना ज्यादा स्मूथलेस ट्रांजिशन, आवाज कब यहाँ से वहां हुई, सैटरडे दुबई दे रुक गए यार, कोना नखरो नखरे नवाबी कुड़ी शाही लगदी। अच्छा ये भाषा का वर्ड नहीं, यार तेरा सिख तू दवाई लगदी, ये करा ना सॉरी, पाया होवे कुछ भी तबाही लगदी, सैटरडे दुबई दे ट्रिप, इक तेरा नखरा नी इक तेरी ड्रिप, जॉर्डन पैरा विच कर गुड। बादशाह की आवाज को, ये बादशाह की आवाज है ना, कितना बढ़िया मिक्स मास्टर कर रहा है, इतनी सूदिंग टाइप ऑफ आवाज लग रही है ना सुनने में, ट्रिप हाइक तेरा नखरा नी इक तेरी ड्रिप, जॉर्डन पैरा विच कर दी ना ट्रिप, हाथ विच फाड़िया नी कप लाल रंग दा, सुख नाल हौली हौली कर दी। मुझे बादशाह की आवाज सही में बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लग रहा है उनकी आवाज को बहुत अच्छा मिक्स करा है गाने के बीच में, उनकी आवाज इतनी बढ़िया मक्खन बैठ रही है बिल्कुल, ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है कि आवाज को इंस्ट्रूमेंट जैसा ही कर दो कि सब चीज इतने सिंक में आ जाए कि वो बहुत, इस गाने में मुझे बहुत अच्छी चीज लग रही है। हाथ विच फाड़िया नी कप लाल रंग दा, सुख नाल हौली हौली कर दी इस सुख स्किन जीन्स ओ साइज उरी, आके पुआड़ा कोई शट्टू अज गुड़ी, ए पी ए गुट ते देख दी ना टैम, हौली हौली च गॉड डैम। ओके ये है गॉड डैम, ओके ते देख दी ना टैम, हौली हौली च गॉड डैम। So basically, पूरा रन में मॉडल पूरा सेट यहाँ पे करा गया। देखो यार एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब भी किसी गाने का वीडियो बनाया जाता है ना, तो उससे ये दिखाया जाता है कि ये गाना किस क्लास के लिए बनाया गया, ऑब्वियसली ब्रो है ना, लाइक स्टोरी कन्वे होती है, तो इस गाने में बेसिकली जो बिल्कुल अप मार्केट अप मार्केट है ना, उन लोगों तक इस गाने को पूरा डीपली पेनिट्रेट करने की कोशिश करी गई है विद दिस वीडियो, यहाँ वी कैन सी हाई क्लास मॉडल्स एंड ऑल दोज वर पेस्ट्री पार्टीज है ना, हम तो जो भी है ना, बट
सो समझ आ रहा है ना भाई, वो अर्बन अप मार्केट है ना, वो वाली मार्केट के लिए गाना पूरा भी टारगेट करा जा रहा है। लेकिन गाना अच्छा है, स्वीट है, सो हर टाइप की मार्केट को जनता को डेफिनेटली मुझे लग रहा है पसंद आएगा। हाय मथे उत्ते बिंदी नहीं हो, दर्शन दिंदी नहीं हो, दूरों देखे बारियां विच्चों करती सवारियां नी, चढ़दी चुबारे पौड़ी उत्तरे फरारियां विच्चों। नखरे दिखाउंदी मैं कह किन्ने नखरो, इदां ना करो कहिंदी उदां ना करो, अकड़े दिखाउण विच यार भी परो, मैनू लगदी दिखाउंदी यार भी परो। ठीक है, हमसे नहीं करना ये सब नखरे वकरे या नॉल। मजा आ रहा है गाना सुनने में। एक चीज, पूरा फीमेल सेंट्रिक गाना बनाया गया है, और जब भी कोई फीमेल सेंट्रिक अगर आपका क्लब बैंगर टाइप का कमर्शियल सॉन्ग बनता है ना, तो उसके पॉपुलर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, इतिहास गवाह है कि जब भी महिलाओं के ऊपर एक बढ़िया सा बैंगर टाइप का गाना बनाया गया है, तो उसको उसको पूरे ब्रह्मांड ने अप्रिशिएट करा है ना, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल जनता बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है। एंड करण औजला तो भाई फीमेल जनता के तो मतलब ओ माय गॉड है ना, एंड बादशाह तो भाई बैड बॉय ही है। तो समझ रहे हो ना भाई, बहुत दिमाग लगा के कई सारे एलिमेंट्स मिला के ये फाइनल ये बनाया गया। अबे अबे नखरे दिखाउंदी मैं कह किन्ने नखरो, इदां ना करो कहिंदी उदां ना करो, अकड़े दिखाउण विच यार भी परो, मैनू लगदी स्पेन तों ते सुणिया फिर कोई छटू अज कुड़ी आला सूट पाया बाली लगती है होड़ी होड़ी। you know what? This, I don't know, man. अभी तक जो भी हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट वो जो रनवे भी पूरे ब्लैक में व्हाइट से रनवे करवी सा वीडियो बनाया तो बहुत बढ़िया लग रहा था। बट दिस थिंग, दिस फकिंग शॉट लुक्स सो इंटरनेशनल, सो इंटरनेशनल। एंड तुम्हें पता है कि बादशाह और करण दोनों की जो रीच है ना, ये इंटरनेशनली कहां कहां तक है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये गाना बहुत सारे चार्ट्स में आने वाला है, बहुत सारे चार्ट्स में आने वाला है। आई थिंक प्लेयर्स भी आया था, बट डेफिनेटली ये मुझे प्लेयर्स से भी ज्यादा बेहतर गाना लग रहा है। यस यस यस, दे आर किलिंग इट। ओए दिखा ना कीदा जवानी दी छुरी, आके पुहाड़ा कोई छटू अज कुड़ी, काला सूट पाया बाली लगती है कै, हौली हौली नच गा। जिसकी वजह से लाइक मैं क्या ही बोलूं, मतलब मुझे बादशाह तो पहली बात ये लग नहीं रहे हैं, ठीक है, ऊपर से पंजाबी में पूरा पंजाबी में ही गा रहे हैं, तो और मजा आ रहा है। आई थॉट कि बादशाह हिंदी में आएंगे, लेकिन ना, ऐसा प्रॉपर पंजाबी बैंगर बनाया है इन्होंने। एंड बादशाह की आवाज मुझे बहुत प्यारी लग रही है यार, क्या मिक्स कर रहा है भाई इसको। नशे दी नी लोड़ चढ़ी जांदी लोरे अखां विच, वोट का मिला के रखिया, खाण नू पिंदी कुड़ी दिल्ली विच रहिंदी, ओदी सारियां फ्रेंडा जट्टियां, इक वारी दस दे तू मंगदी है की, आई कैन मेक अ स्नो बेबी कर ला तुस्की, कलाकार जेड़े तेरे पीछे उना तो ये अफोर्ड नहीं होने मित्रां दे फीचर दी फी। ओह माय गॉड, कलाकार जेड़े तेरे पीछे उना तो ये अफोर्ड नहीं होने मित्रां दे फीचर दी फी। ठीक है, जो कलाकार तुम्हारे पीछे पड़े भाई, हमारे वो फीचर की फी भी नहीं दे पाएंगे, समझ रहे हो भाई। कलाकार जेड़े तेरे पीछे उना तो ये अफोर्ड नहीं होने मित्रां दे फीचर दी फी। I just want to see, इसका भी म्यूजिक हितेन ने ही दिया है क्या? Yes, he is so fucking versatile। और कल मैं हितेन भाई को देख रहा था स्टेज के ऊपर, इतना हम्बल आदमी भाई, मतलब मैं ऐसा गाना बनाऊं ना तो मैं तो स्क्रिलिक्स का बाप समझूं अपने आप को, ठीक है, समझ रहे हो, मैं ही भाई, मैं नहीं बनाया। हितेन भाई आए इतने प्यार से, इतने हम्बली है ना, इतने मॉडेस्टी से बात कर रहे थे स्टेज पे। मैंने कहा बताओ यार, ऐसे लोग हैं, ग्राउंडेड लोग, ग्राउंडेड लोगों की ही जर्नी लंबी होती है जीवन में, इसको याद रखिएगा। ਉਹ ਫੜਿਆ ਜੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਛੱਟੂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਪ, ਵਿੱਚ
ਰਾਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਏ ਮਾਏ ਸੀ ਕਰਦੇ ਫਲਿਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਔਜਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੁੜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਕਿਪ ਯੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਨਾ ਆਏ ਅਜੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਛੱਟੂ ਨਾ ਗ੍ਰਿਪ ਵੇਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਏ ਮਾਏ ਸੀ ਕਰਦੇ ਫਲਿਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਰਿਪੀਟ ਤੇ ਔਜਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੁੜੀ ਕਰੇ ਨਾ ਸਕਿਪ ਸੁਪਸਕੈਨ ਜੀ ਓ ਸਾਜ਼ੂਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁਆੜਾ ਕੋਈ ਛੱਟੂ ਅਜ ਕੁੜੀ मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं दो मर्दों को मजे करते हुए देखता हूँ. डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ. ओनली ब्रो, नो होमो, है ना, वाली चीज नहीं बोल रहा हूँ. समझो चीज को, है ना, ब्रोमांस की बात करी जा रही है ब्रो, है ना. तो मुझे बड़ा मजा आता है जब मैं लंबे चौड़े मर्दों का साथ में पूरा फन करते हुए देखता हूँ ना. मुझे लगता है कि रिलेटेबल लगता है लंबा चौड़ा मर्द, है ना. तो बेसिकली मैन जो होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है एक अपने शील्ड बना के चलते हैं. लेकिन जब आप उनको लेट लूज होते हुए देखते ना, माँ की आग में गाना फिर से सुनने जा रहा हूँ, मेरे को मन कर गया ब्रो. मैंने बहुत पॉज कर करके बकवास करी है, मेरे फिर से सुनना पूरा गाना. तो जब मैन, है ना, अपनी शील्ड हटा के मजे करते हैं ना, तो बड़े मजे आते हैं देखने में. बाय बाय. जिस जनता के पास टाइम नहीं है, आप जाइए पढ़ाई करिए, है ना, नाम रोशन करिए. हम जा रहे भैया गाना सुनने, है ना. टाइम हो तो गाना सुनो, फिर से मजे. बड़े कंडे कटे इना सोची नी मैं कला कोना नखरो नखरे नवाबी कुड़ी शाही लगदी यार तेरा सिख तू दवाई. ये भी ये भाषा की आवाज है. अरे वो अपने बाप भाई लो ने क्या खेला है, क्या खेला है भाई. इतने स्मूथ ट्रांजिशन लाइक, इससे पहले मैं कंफ्यूज हो रहा था, बट नाउ आई थिंक ही इज भाषा ओनली. पूरा गाना सुनने के बाद बिकॉज थोड़ा थोड़ा वॉइस टेक्सचर से खेला गया है. Damn. ये लड़कियों के बहुत ही ज्यादा कंफर्ट कपड़े होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो भाई. तो आई थिंक ये दोनों मास्टरमाइंड गोगोज ने इतना बढ़िया दिमाग लगा के गाना बनाया है ना, कि लड़कों को गाने में मजा आए और लड़कियों को सुनने में मजा आए. समझ रहे हो कि क्या दिमाग लगाया है, क्या दिमाग लगाया है. दोनों लोगों के लिए, दोनों जेंडर्स में पॉपुलर कर दिया. लड़कों को गाने में मजे आ रहे, लड़कियों को सुनो. वाह ब्रो. इस टाइप के बड़े वीडियोस बने, ऑनेस्टली मैंने इंटरनेशनल देख रखा है, लेकिन एक भी विजुअल ऐसा नहीं लग रहा है जैसे किसी और से लिया गया. बिकॉज तुमने रनवे मॉडल्स को चलते हुए गानों में देखा, अंग्रेजी गानों में कई सारों पर डाला, लेकिन एक भी शॉट, एक भी सेट डिजाइन, कोई भी चीज ऐसा नहीं लग रहा है जो मैंने पहले देखा हुआ है. स्पेशली दिस वन एंड द ब्लू वन, सेट की बात कर रहा हूं. बहुत बढ़िया लगा मेरे को. दर्शन दिंदी नहीं दूरों देखे बारियां विच्चों करदी सवारियां नी चढ़दी चुबारे पौड़ी उत्तरे फरारियां विच्चों नखरे दिखाउंदी मैं क्या किन्ने नखरो इदा ना करो कहंदी उदा ना करो अकड़े दिखाउण विच यार भी पड़ो मैनूं लगदी स्पेन तों ते सुणिया फिरो ओए दिखा ना की. लिरिक्स ऐसे हो, पंजाबी में लिरिक्स हैं लेकिन मेरे को फिर भी एक बार में पूरा तो घंटा नहीं याद हुआ, लेकिन फिर भी इतने याद हुए हैं कि एंड एंड में राइम्स याद आ रहे हैं. तो इसको कहते हैं पंची लिरिक्स, समझ रहे, पंची ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਵੀ ਪਰੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸਪੇਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਫਿਰੋ ਓਏ ਦੇਖਾ ਨਾ ਕੀ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਛੁਰੀ ਆ ਕੇ ਪੁਆੜਾ ਕੋਈ ਛੱਡੂ ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਐ ਕੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੱਚ ਕਰਦੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਥਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਸੇ ਅੱਛਾ ਯਾ ਉਸਕੀ ਟੱਕਰ ਕਾ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਸੇ ਬਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਨੀ ਲੋੜ ਚੜੀ ਜਾਂਦੀ ਲੋਰੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੂਡਕਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਕੁੜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਾਂ ਜੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸਨੋ ਬੇਬੀ ਕਰ ਲੱਗੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਦਿਖੀ ਸਕਿਨ ਜੀਨਸ ਓ ਸਾਜ਼ੂਰੀ. मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, चलो बहनों, बहनें जो मेरी बहनें ये वीडियोस देख रही हैं,
कोई नहीं देख रही है, मुझे पता है मेरी 99.99% जो है वो लॉन्डे ही देखते हैं, लेकिन आपकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं जो इंस्टाग्राम के ऊपर बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ बिफोर दिस सॉन्ग ट्रेंडिंग में आने के पहले जिन लोगों ने इस गाने के ऊपर रील्स बना दी ना भाई, आपकी रील्स के व्यूज फटने वाले हैं। ठीक है, मिस्टर बाबा अफेक जी बोल ले, आपके व्यूज फट जाएंगे। हमने इससे पहले जिन गानों के बारे में ऐसा बोला वो रील्स पर फटी हैं क्या, एक दो गाने तो मतलब समझ जाओ इस गाने के ऊपर रील्स बना दो अभी आपके व्यूज फटने जाएंगे, फट जाएंगे 100%। God damn, directed by Agamman और X के आगे मुझे दिख नहीं रहे जो भी हैं। आपने बहुत ही बढ़िया, कुछ आएगा तो नहीं उसके आगे, नहीं कुछ नहीं आएगा, बहुत ही बढ़िया वीडियो था एंड सॉन्ग भी बहुत बढ़िया था, मुझे बहुत बढ़िया लगा। लाइक दोनों स्टार पावर्स को इतना ज्यादा दिमाग से इस्तेमाल करा गया है। देखो भैया, जब इस लेवल के आर्टिस्ट लोग गाना बनाते हैं ना, दे आर नॉट जस्ट मेकिंग अ सॉन्ग, है ना, उनको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है क्योंकि उनको उतना ही ज्यादा मैग्नीफाइंग ग्लास से जज करा जा रहा होता है कि ये लाइन कैसी, वो लाइन कैसी, ये बीट कैसी, वो विजुअल कैसी, ये शाउट आउट क्यों दिया, वो रेफरेंस क्यों दिया, ये लड़की के लिए। तो जब इतने प्रेशर में एक गाना बनाया जाएगा तो भैया बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इन दोनों ने बहुत ही सही टाइट राइटिंग, दिमाग से एक बढ़िया कमर्शियल पंजाबी बैंगर, समझ रहे हो आप। और आजकल पंजाबी मार्केट आप जान रहे हो कि मतलब आग लग रखी है सीन में, गाने ऐसे पॉपुलर हो रहे हैं, थोड़ा इधर आ जाऊंगा, हाँ गाने पॉपुलर कैसे फट रहे हैं पंजाबी गाने, और एक भी हिंदी वर्स इसमें नहीं डाला किसी ने भी, एंड प्रॉपर पंजाबी एंड बढ़िया सी म्यूजिक, और वो धीमे धीमे वाइब करने को ने 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 ने। ठीक है, जिसको डांस नहीं भी करना आता वो भी थोड़े ने 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 ने, वो ये कर सकता है। ठीक है, मुझे बढ़िया लगा, मुझे बहुत सही लगा। डेफिनेटली इज गोना बी ट्रेंडिंग एवरीवेयर ऑन इंस्टाग्राम, आई एम टेलिंग यू, इफ यू वांट टू मेक अ रील ऑन इट, डू इट राइट नाउ, इज गोना फकिंग ब्लो अप लाइक एनीथिंग विदिन अ वीक और विदिन 3-5 days। एंड यस, मैंने सब बोल दिया है, जितनी अंग्रेजी आती थी वो भी मैंने बोल दी है। आप लोगों को कैसा लगा गाना वो बताइए ढंग से, क्या आपको ये प्लेयर से अच्छा लगा, तो भाई और बहनों वॉट एवर, है ना, गाना कैसा लगा वो बताइए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, आईडी के नाम है @ofyoukno, बाय, पीस।